हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, साथ ही फोर ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, डेली प्लस का हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या स्टेट पीएससी, जहाँ भी आपके स्टेट एग्जाम के पूछा जाता है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 टॉपिक लिए हैं जो आपको दिख ही रहे होंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसको बहुत छोटे रूप में बनाया गया है, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वीडियो को देखें और आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट और कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट और कॉम्प्लेक्स की, कौन कौन से जो स्पोर्ट है वह किस कॉम्प्लेक्स में खेले जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टेनिस की, तो यह कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल को डायमंड में खेला जाता है। मुक्केबाजी रिंग में होती है। वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। वहीं बोर्ड पर टेबल टेनिस को खेला जाता है। नेक्स्ट है जूडो, जिसे मैट पर खेला जाता है। रग्बी पिच पर खेली जाती है। क्रिकेट भी पिच पर ही खेला जाता है। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड भले होता है लेकिन खेला तो पिच पर ही जाता है। पोलो को फील्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन को कोर्ट पर खेला जाता है। हॉकी को फील्ड में खेला जाता है। दोस्तों, साइकिलिंग को बेलोड्रम, जो साइकिलिंग का जो खेलने का जहां खेला जाता है वह बेलोड्रम उसका नाम है। फुटबॉल को फील्ड में ही खेला जाता है। आइस हॉकी को रिंग में खेला जाता है। वहीं रेंज निशानेबाजी में खेली जाती है। घुड़सवारी को एरिना में खेला जाता है। कबड्डी कोर्ट पर खेली जाती है और खो खो भी कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख खेल थे जिनके हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। अब आगे बात करते हैं हम खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, स्नूकर, जो स्नूकर है वह उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो स्नूकर में एक खिलाड़ी होता है। मुक्केबाजी में एक ही खिलाड़ी होता है। लॉन टेनिस में एक या दो खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। टेनिस है उसमें भी एक या दो, और टेबल टेनिस इसमें भी एक या दो खिलाड़ी साथ में खेलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं चेस के बारे में। चेस में दो खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्ड गेम में भी दो खिलाड़ी एक साथ ही खेलते हैं। पोलो की बात की जाए तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है इन खेलों के बारे में। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो बताएं आपको, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में और नेटबॉल, इन तीनों में, यानी वाटर पोलो, कबड्डी और वॉलीबॉल, इन तीनों में 7 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। एक बात और, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, इन तीनों को भी याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। रग्बी में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी खेलते हैं। अब बात करते हैं फोर ग्रैंड स्लैम के बारे में, जिनको हम AFWU के नाम से जानते हैं। तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। ये किस इनकी शुरुआत कब हुई थी, कब खेले जाते हैं और किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जिसे हम ए के नाम से मैंने अभी पहले बताया है। ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। इसका जो सरफेस है वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और ये इसकी फ़ोटो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की ये फ़ोटो है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। सरफेस पर यह खेला जाता है। दोस्तों, इसमें ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो है फ्रेंच ओपन की। बात करें अब विंबलडन ओपन की। दोस्तों, विंबलडन जो ओपन है वह इंग्लैंड में खेला जाता है। इंग्लैंड का ये टेनिस ओपन है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, और ये सरफेस जो खेला जाता है उस सरफेस का नाम ग्रास कोर्ट है, यानी घास के जो कोर्ट होता है उस पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। और ये विंबलडन ओपन की आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं US ओपन की, तो दोस्तों US ओपन की जो शुरुआत है वह 1881 में हुई थी, यानी 1881 में हुई थी। इसका जो सरफेस है वह हार्ड कोर्ट है, जो हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है, और ये आप फोटो देख पा रहे होंगे US ओपन की। दोस्तों, ये जो 4 ओपन मैंने बताए हैं, इनका जो सीक्वेंस है वह AFWU ऐसा ही है। AFWU
यू यानी एक साल में ये चार ओपन खेले जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले शुरुआत हुई थी विंबलडन ओपन की, फिर हुई थी यूएस ओपन की, फिर हुई थी फ्रेंच ओपन की और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने बात की खेल और कॉम्प्लेक्स, चार ग्रैंड स्लैम और खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।